हेलो अभिमान, कैसे हो सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ ना सैलरी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है? और प्लीज बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, मैं ज्यादा लंबी नहीं करने वाला हूं, बिकॉज इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करूंगा और सैलरी के क्वेश्चन की बात करूंगा। अगर कोई बच्चा सैलरी की थियोरेटिकल रिविजन देखना चाहता है तो वो भी वीडियो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है उसी के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज चेक कर सकते हो थियोरेटिकल रिविजन करने के लिए। अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ये पेपर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस रखे, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं कुछ पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चन सैलरी के। सिमिलरली MQP 1 और 2 जो भी आपका इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली दिया है MQP, वो वाले क्वेश्चन भी मैं लेके आने वाला हूँ, और स्टडी मैट के जो एक क्वेश्चन है स्टडी मैट के क्वेश्चन वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरा फोकस रहेगा CMA का इंटरमीडिएट, चाहे वो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं चाहे वो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अदरवाइज CS स्टूडेंट्स एंड CS स्टूडेंट्स वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं सबके साथ, मैं चल रहा हूँ ओल्ड सिलेबस के पेपर पे जून 2023 के। आपने देखा होगा मैंने ना जून 2023 का न्यू सिलेबस को कवर अप करवा ही दिया है, पता है आप लोगों को, मैंने जून 2023 का न्यू सिलेबस कवर अप करवा दिया है। ओल्ड सिलेबस का बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमारे भी पेपर सॉल्व करो, हमारा भी पेपर सॉल्व करो, हमारे भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, जून 2023 और पिछले सारे एग्जामिनेशन के सारे, क्योंकि पहले तो देखो न्यू सिलेबस था ही नहीं, ओल्ड सिलेबस ही था, तो मैंने जून 2023 का पेपर सॉल्व किया, दिसंबर 2022 का किया, फिर उसके बाद बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से कुछ पेपर मेरे को मजा ही नहीं आया, वो क्वेश्चंस मैं क्या ही डिस्कस करूं, उसमें मजा ही नहीं आ रहा कुछ, तो वो एक आधा पेपर था वो मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूं। दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, फिर जून 2019 का कर रहा हूं, फिर MQP सेट 2 कर रहा हूं, बिकॉज MQP का सेट 1 जो कि न्यू सिलेबस का MQP है, ये जो है न्यू सिलेबस का MQP है, आपको पता है ये न्यू सिलेबस का जो MQP है, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, इसमें MQP सेट 1 का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी देख लो, वो भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो वो करूंगा मैं आपके साथ डिस्कस। तो ये वो सब क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो 5 क्वेश्चंस ये, और मैं आपके साथ करने वाला हूं स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैं कंटेंट को एक एक करके आपको ढंग से बताऊंगा कि कैसे करना है, और मैंने देखा है इंस्टीट्यूट ने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है, अगर हम वो पैटर्न समझ लेना तो आपको लगता है, मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं है सैलरी के क्वेश्चंस में, आप लगेगा क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, मुझे एक बात बताओ, एक पैटर्न को, बस एक पैटर्न को फॉलो कर लो जो इंस्टीट्यूट बार बार वो क्वेश्चन दे रहा है, वही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करता है, वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर दे रहा है, तो मैंने पिछले सारे क्वेश्चन के पैटर्न को देखा, ट्रेंड को देखा, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं। आओ जरा देखते हैं क्या हम लोग देखें, सबसे पहले जून 2023 का पेपर देखें, तो जून 2023 का पेपर अगर मैं देखूं तो जून 2023, ये मेरे पास जून 2023 का पेपर, मेरे ख्याल से ये जून 2023, यस यही है पेपर मेरा, ओल्ड सिलेबस जून 2023 का पेपर, ठीक है, न्यू सिलेबस का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, मैंने आपको बताया, तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सही हो दोस्तों, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, आंसर मैच नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में क्या है, इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में सीधा सीधा अमाउंट लिख दिया है, फाइनल अमाउंट कैसे क्लैरिफाई किया है वो अमाउंट बताया नहीं है कि कैसे आया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। आओ जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। शेखर एम्प्लॉयड एज अ चीफ इंजीनियर इन अ कोली कंपनी लिमिटेड मुंबई फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। बेसिक सैलरी आपको दी हुई है 2 लाख रुपए महीना, DA दिया हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1 लाख रुपए महीना, प्रोडक्ट कमीशन दिया हुआ है, एनुअल पेमेंट 5 लाख रुपए, बोनस दिया है 3 लाख रुपए, ठीक है, ऑब्वियसली ये साल का है अगर पर मंथ नहीं दिया है, मोबाइल फोन बिल्स रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, बच्चों इसको टेलीफोन फैसिलिटी बोलते हैं, अगर आपको याद हो टेलीफोन फैसिलिटी टैक्स फ्री परक्विजिट होता है, हाँ या ना, टैक्स फ्री परक्विजिट होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, रेंट पेड टू ओनर बाय एम्प्लॉयर इज 4,80,000, 4,80,000 का रेंट जो है एम्प्लॉयर पे करता है, तो भाई अगर आपको याद है ना रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या करते हैं, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है जहां पे एम्प्लॉयर ने पैसा पे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रेंट का जो भी उसने पे किया या तो वो या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सैलरी में क्या क्या आता है आपको याद करना होगा, सैलरी में आता है बेसिक पे, DA, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ऑनली करंट ईयर,
ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, है कि नहीं, और अनकमिटेड पेंशन और लीव सैलरी कौन से वाला, ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ जॉब वाला। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर वन वीक ट्रेनिंग इन जर्मनी फॉर ट्रेवल स्टे एंड फूड एक्सपेंसेस। मुझे बताओ ये ट्रेनिंग के लिए गया है, ट्रेनिंग मतलब ऑफिशियल काम के लिए गया है, जब ऑफिशियल काम के लिए गया है और एम्प्लॉयर आपको बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा है तो क्या वो टैक्सेबल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होगा, ट्रेवल स्टे फूड के लिए आपको 5 लाख रुपए का खर्चा, ये टैक्स फ्री होगा क्योंकि ये सारा का सारा जो खर्चा है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए किया गया है। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ एंड एएसएफ 12% ऑफ ईच ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए। ये 12% जो है आपने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स आरपीएफ एंड एएसएफ। आपको पता है एएसएफ की तरफ तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, हालांकि इन्होंने टोटल कर दिया है तो हम आरपीएफ ही समझेंगे इसको। तो आरपीएफ की तरफ अगर 12% कंट्रीब्यूट किया है तो हमें पता है आरपीएफ में एग्जेम्पशन भी 12% की ही मिलती है। हाँ, एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 12% बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इस तरीके से हम लोग निकालना पड़ेगा। ओके, चलो हम लोग बाद में करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज ट्रांसफर टू फैक्ट्री लोकेटेड इन चेन्नई एंड वॉज प्रोवाइडेड अ होटल अकोमोडेशन। अब फैक्ट्री विजिट, आपकी फैक्ट्री क्या हो रही है, मतलब आपको ट्रांसफर किया जा रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, आप चेन्नई में आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, होटल अकोमोडेशन आपको दी जा रही है 2 महीने के लिए। मुझे बताओ जब आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाया है कि आपकी टैक्स फ्री परक्विजिट हो सकता है? हाँ, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अगर 15 दिन के लिए आपको एम्प्लॉयर ये परक्विजिट देता तो आपको ये टैक्स फ्री हो सकता था, बट क्या ये ऐसा है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है। कितने दिनों के लिए दे दिया है, 1 मई से लेकर 30 जून, तो यहाँ पर 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए होटल अकोमोडेशन आपको टैक्सेबल होगा। कैसे निकालेंगे, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लेस। एक्चुअल हायर चार्जेस आपको दे रखे हैं 1 महीने का 60,000, तो 2 महीने का कितना हो गया, 1,20,000, और फिर 24% ऑफ सैलरी आप वैसे ही निकाल लोगे। ओके, क्वेश्चन लिखा, ही इज प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार फॉर एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज फॉर एंटायर प्रीवियस ईयर, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रनिंग एंड मेंटेनेंस मेट बाय एम्प्लॉई। यानी ये केस कौन सा है दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन उठा रहा है, एम्प्लॉई। ऐसे केस में आपको याद होगा अगर गाड़ी सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो क्या करेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, कार का 10%, कार की कॉस्ट दी हुई है 6 लाख, 6 लाख का 10% हो गया 60,000, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्या रनिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे? नहीं, जब रनिंग एक्सपेंसेस इंकर ही इंप्लॉय कर रहा है तो वो आपको टैक्सेबल क्यों होगा, है कि नहीं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ शेखर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएससी। हालांकि 115 बीएससी का इसमें कोई काम नहीं है क्योंकि 115 बीएससी में सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस जो है वो आपको ध्यान रखने होते हैं कि अलाउंसेस आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, बट यहां पर कोई काम है नहीं ऐसा। और 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट नहीं मिलता है, बट यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तक हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे, अभी हमें नहीं जरूरत। तो मुझे बताओ, मैं शुरुआत से क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, सबसे पहले क्या करूं, बेसिक सैलरी निकालते हैं। बेसिक सैलरी कितना होगा बताओ, बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, मैं यहां पर इसको यूज करता हूं, बेसिक सैलरी दिया है 2 लाख रुपए महीना, तो क्या हो गया, 24 लाख रुपए, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। ओके, डीए कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए महीना, तो बताओ साल के 12 लाख रुपए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है जी, डन। इसके बाद बताओ कमीशन दिया हुआ है, एनुअल पेमेंट 5 लाख रुपए, कमीशन कितनी दी हुई है, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए फुली टैक्सेबल होता है, कमीशन फुली टैक्सेबल होता है, बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस फुली टैक्सेबल होते हैं। बोनस कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, समझ में आया? इसके बाद टेलीफोन फैसिलिटी एक टैक्स फ्री पर गुजिट होता है, ठीक है, ये मतलब नहीं है कि ये 115 बीएससी वाला है तो इसको कोई ये टैक्स फ्री फैसिलिटी भी टैक्सेबल हो जाएगी इसके लिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये तो जो है वो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, टैक्स फ्री ही रहेगा टेलीफोन फैसिलिटी। आगे आ जाते हैं, फिर इसके बाद लिखा रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी 15% ऑफ सैलरी वाली। अब जब हमने 15% ऑफ सैलरी वाली कैलकुलेशन करी तो यहां पर 15% ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा बताओ, 15% ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा, सैलरी में क्या आएगा, सैलरी में आएगा बेसिक पे जो कि है 24 लाख, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, डीए का फॉर्मिंग पार्ट ही मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है 12 लाख, कमीशन दिया है, कमीशन ऑल टाइप्स आता है यहां पे, तो कितना है कमीशन, 5 लाख, पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई भी कमीशन हो आएगा। बोनस कितना दिया है, 3 लाख, पूरा का पूरा बोनस आ जाएगा। मुझे बताओ कोई अलाउंसेस तो मुझे लगता है दिया ही नहीं हुआ है उस क्वेश्चन में, तो बस यही आएगा, तो ये हो गया 36 और 8, 44 लाख रुपीज आएगा। अब 44 लाख रुपीज का जब आप 12% जब आप 15% करोगे तो ये कितना आ रहा है, 44 लाख का 15% कितना आ रहा है,
ये आ रहा है 6,60,000, 6,60,000। और मुझे बताओ आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन 6,60,000 होगा या फिर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है रेंट पेड बाय ओनर, पेड टू ओनर कितना है 480। सो विच एवर इज लेस, तो 480 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? क्या ये बात समझ में आती है? इसकी प्रेजेंटेशन आपको वर्किंग नोट में करनी होगी। मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूं, ठीक है? अब बताओ ट्रेनिंग का जो पैसा है, जो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, देखो क्वेश्चन में मैंने आपको अभी ये बात डिस्कस की थी, कोई भी खर्चा इंकर किया गया है बाय एम्प्लॉयर फॉर वन वीक ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग का जो खर्चा है 5,00,000 रुपए, क्या ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होना चाहिए? जी हाँ, पूरा का पूरा टैक्स फ्री होना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल है। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ, बच्चों देखो आरपीएफ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ही जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट का, वो एग्जेम्पशन भी 12% की होती है, तो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये अमाउंट यहां पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे 12% के हिसाब से ये निल आएगा, ठीक है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी 12% है और एग्जेम्पशन भी 12% ही मिलती है। हाँ, डीए फॉर्मिंग पार्ट तक की मिलती है। अगर डीए दो अलग अलग पार्ट दिए होते तो हम ये समझते कि जो कंट्रीब्यूशन है वो डीए का दिया हुआ है और जो एग्जेम्पशन निकालते हैं वो फॉर्मिंग पार्ट के बेसिस पे निकालते हैं, बट क्वेश्चन में डीए सिर्फ एक ही दिया है, वो भी है फॉर्मिंग पार्ट, तो इसलिए पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होटल अकोमोडेशन की बात करें, होटल अकोमोडेशन में 2 महीने का तो 24% ऑफ सैलरी लेनी होगी। अब यही 24% ऑफ सैलरी ले लो आप इसका, 44,00,000 रुपीज, इसका 24% कर दो आप, जरा कितना आएगा, 10,56,000। 44,00,000 तो मेरे को लगता है पूरे साल का है, 44,00,000 तो पूरे साल का है ना, हमें तो चाहिए 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए इंटू 2/12 44,00,000 रुपीज, 2 महीने के लिए कितना होगा, 44,00,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना? तो 2 महीने के लिए 44,00,000 की जो सैलरी है उसको 2 महीने में कन्वर्ट किया और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको 24% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये करीब 1,76,000 आ रहा है, 1,76,000 आ रहा है। बट हमें तो कंपेयर करना है किसके साथ, एक्चुअल हायर चार्जेस के साथ। एक्चुअल हायर चार्जेस कितने दिए हुए हैं, 60,000 रुपए महीना, साल के कितने बने, 1,20, विच एवर इज लेस, 1,20। तो भैया 1,20 ही आएगा यहां पर, बोलो हाँ या ना, लेस आएगा यहां पर, तो ये भी हो गया। अच्छा बताओ वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, कंपनी ने इंप्लॉई को गाड़ी भी दी है, तो बताओ गाड़ी का क्या केस आएगा, कौन सी गाड़ी दी है, ये दी है पर्सनल पर्पज के लिए, किसने दी है, इंप्लॉयर ने दी है, तो ये इंप्लॉयर, और आगे खर्चे कौन कर रहा है, इंप्लॉई कर रहा है, खर्चे कौन कर रहा है, इंप्लॉई, तो इंप्लॉयर इंप्लॉई का केस है। ऐसे केस में क्या हम लोग, अच्छा पर्सनल पर्पज के लिए दिया तो 6,00,000 का 10% सिंपल है, बोलो हाँ या ना, 60,000 रुपए टैक्सेबल होगा, हाँ या ना। बताओ इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी, 50,60,000 रुपए, 50,60,000 रुपए, जिसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करेंगे। बताओ क्यों, क्योंकि ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, अगर ये 115 BAC ऑप्ट करता है तो क्या होगा, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर 50,60,000 जो आएगा वो ही मेरा सैलरी इनकम होगा, यानी सैलरी इनकम भी यही है और ग्रॉस सैलरी भी यही है। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है जी, 50,60,000। नाउ जून 23 का ये पेपर था, मुश्किल था क्या, बहुत ही आसान था यार, इससे आसान क्या होगा बताओ। दिसंबर 2022 का ओल्ड सिलेबस का भी एक पेपर है, वो डिस्कस कर लेते हैं, दिसंबर 2022 का ओल्ड सिलेबस, दिसंबर 2022 का ओल्ड सिलेबस मैं दिखा देता हूं आपको, वो है मेरे ख्याल से यही है, यही है दिसंबर 2022 का ओल्ड सिलेबस, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपके सामने, और ये रहा वो क्वेश्चन जो आपके दिसंबर में आया था पेपर में, ठीक है? ये देखा जाए तो ये और भी आसान है। कहता है बेसिक सैलरी आपको दी हुई है 50,000 रुपये महीना, ठीक है? मैं पहले तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ वापस इस क्वेश्चन की आंसर पे आऊँगा। बेसिक सैलरी दी है 50,000 रुपये महीना, डीए दिया है 50% ऑन द बेसिक सैलरी, ओके, तो डीए तो निकाली लोगे, बेसिक सैलरी का 50% कर लेंगे। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, ओके। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या कुछ एजम्पशन ले सकते हैं, हाँ क्या एजम्पशन लेंगे, हम नॉट फॉर्मिंग भी ले सकते हैं, फॉर्मिंग भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जनरली लोग फॉर्मिंग ले लेते हैं, आप अगर आप देखो तो आप अपने स्टडी मैट में भी देखो तो इन्होंने भी फॉर्मिंग पार्ट ही लिया हुआ है, तो अगर आप नॉट फॉर्मिंग भी लेते हो तो गलत नहीं है, नॉट फॉर्मिंग ले लो, फॉर्मिंग ले लो, आंसर में एजम्पशन जरूर देनी है, उसके बेसिस पे आपका आंसर चेंज हो सकता है।
मुझे बताओ बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए हो गया 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, ओके नॉट फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, हैंडीकैप वालों को मिलती है 3200 रुपए महीना, बट ये हैंडीकैप तो क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस दिया है 50,000 रुपए पर एनम, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन दिया हुआ है, कमीशन कितना दिया हुआ है फॉर द ईयर 2,00,000 रुपए, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, बच्चों ये टी स्नैक्स है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स टी स्नैक दिया जाए तो निल होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट कोलकाता, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है एट कोलकाता, तो बताओ क्या हम लोगों को निकालना होगा? ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है ओन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, यानी 15% ऑफ सैलरी, कोलकाता है ना तो 15% ऑफ सैलरी। बेटा सिटी पॉपुलेशन याद आ रहा है, 10,00,000 तक की अगर सिटी पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, 25,00,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी, कुछ याद आ रहा है? तो आपको देखना होगा सिटी पॉपुलेशन क्या है। अब वैसे तो कोलकाता दिया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सिटी पॉपुलेशन 25,00,000 से ज्यादा ही मान के चलेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में सिटी दी हो बट उसकी सिटी पॉपुलेशन ना दी हो तो मान के हमेशा 25,00,000 से ज्यादा ही जाते हैं, एजम्पशन लिख लिया करो, इज दैट क्लियर? रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो लो जी 15% ऑफ सैलरीज का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है। फर्नीचर फिटिंग्स इन रेंट फ्री अकोमोडेशन, ओरिजिनल कॉस्ट इज 4,80,000 एक्वायर्ड, तो ये भी उस फर्नीचर को फर्निश्ड अकोमोडेशन बनाने के लिए काम आएगा, तो आप बाद में ऐड कर दोगे इसके अंदर। मेडिकल फैसिलिटी इन क्लिनिक मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द केस इट इज इंकर्ड इन आउटसाइड क्लिनिक, तो कहता है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, अगर आपको याद हो मेडिकल परक्विजिट, मेडिकल फैसिलिटी चार केस होते हैं उसमें, अगर मेंटेन बाय, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाया जाता है तो टैक्स फ्री होता है, अगर ऐसे हॉस्पिटल में कराया जाता है जो अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज तो टैक्स फ्री होता है, अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल में कराया जाता है जो कि क्या कहते हैं मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, तो वो टैक्स फ्री होता है, तो ये टैक्स फ्री होगा, 65,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। गार्डनर प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनिंग द गार्डन, हम ये मान के अगर चलें, देखो गार्डनर के बारे में एक अजम्पशन होती है, देखो गार्डनर एक डोमेस्टिक सर्वेंट है तो इस सर्वेंट की जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल होनी चाहिए आपको, बट ये गार्डनर अगर उसी अकोमोडेशन के साथ ही अटैच करके दिया गया है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में गार्डनर अलग से लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन में अलग से गार्डनर लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, बट ये गार्डनर अगर मैं ये मान के चलूं कि गार्डनर जो है उसी गार्डन से अटैच्ड है जो अकोमोडेशन के साथ ही अटैच मिली है, तो ऐसे केस में गार्डनर की सैलरी हमें टैक्सेबल नहीं होगी, तो जो 15% ऑफ सैलरी उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है टैक्सेबल आपको जो भी होगा। बट अगर गार्डनर अलग से प्रोवाइड किया गया है डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, अलग से डोमेस्टिक सर्वेंट जैसे कुक मिल जाता है या कोई भी ऐसी, तो ऐसे केस में टैक्सेबल। तो यहाँ पे एक एजम्पशन देनी होगी कि ये गार्डनर वही गार्डन है जो गार्डन आपको एकोमोडेशन के साथ मिला है, या कोई और तरह का गार्डनर, कोई और कई गार्डन आपके कोई और भी घर हो सकता है, वहां पर भी कोई फैसिलिटी दी गई हो, कोई पता नहीं। जनरली हम लोग यही एज्यूम करके चलेंगे कि ये गार्डनर उसी एकोमोडेशन से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये टैक्स फ्री रहेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। मोटर कार ऑफ द एम्प्लॉयर वॉज सोल्ड टू मानस फॉर 5,00,000, 5,00,000 की गाड़ी बेच दी है, क्या ये वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मोटर कार का केस बन जाएगा? हाँ, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मोटर कार, भाई द कार वॉज एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1/6/2018 फॉर 11,50,000, 11,50,000 की गाड़ी खरीदी थी और अगस्त 2021 में आपने बेच दी है गाड़ी, तो भाई 1 जून 2018 से 1 जून 2019 एक साल, 1 जून 2019 से 1 जून 2020 दो साल, और 1 जून 2020 से लेकर 1 जून 2021 यानी 3 सालों का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा डिप्रिसिएशन सैलरी में जब हम निकालते हैं तो कंप्लीट ईयर के लिए निकालते हैं, मंथ्स और डेज को इग्नोर करते हैं, तो यहां पर 3 सालों का डिप्रिसिएशन कंप्लीटली लग जाएगा। आपको फाइंड आउट करनी है सैलरी इनकम, निकालते हैं, आओ जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, मैंने सारी प्रेजेंटेशन पहले ही कर दी है, सारी मेहनत कर दी है, ठीक है, ताकि आपको टाइम ना लगे, आप लोग फटाफट देखो और इसको कंप्लीट करते जाओ। मैं प्लीज मेरे से मैं आप ये बात उम्मीद करना कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप लोग प्लीज साथ साथ नोट कर लो, जहां पे आपको लगता है ब्रेक मारो और उसके बाद नोट कर लो, अगर आपको लगता है डिस्कस करने के बाद। बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 × 12, 6,00,000 रुपए आ जाएगा। डीए दिया हुआ है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये भी आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आती है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,500 रुपए महीना, तो मेरे को बताओ ये भी फुली टैक्सेबल होगा, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद बोनस आपको दिया हुआ है, बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन टैक्सेबल हो जाएगा 2,00,000 रुपए। रिफ्रेशमेंट्स मैंने आपको बताया, 30 स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स टैक्स फ्री होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट कोलकाता, ये आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। इसमें क्या करना होगा? 15% ऑफ सैलरी निकालनी होगी। मुझे बताओ सैलरी में क्या क्या लोगे? बेसिक पे लोगे, हाँ, डीए लोगे, हाँ, अच्छा डीए लोगे, नहीं डीए नहीं लोगे, क्योंकि डीए फॉर्मिंग पार्ट चाहिए होता है इसके अंदर, नॉट फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है तो नहीं लोगे, तो डीए नहीं लोगे, बेसिक पे लोगे, हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लोगे, यस,
बोनस लोगे? यस। कमीशन लोगे? यस। तो 6,30,000, 50,000 और 2,00,000 कितने हो गए बताओ? 8,80,000 रुपए। क्या इसके अलावा कोई अलाउंसेस दिए हुए क्वेश्चन में? नहीं। 8,80,000 रुपए का कर दो जरा, 8,80,000 का 15%, तो आ गया 1,32,000। ये आ गई मेरी रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड, जिसके अंदर मुझे फर्नीचर ऐड करना होगा। फर्नीचर ऐड करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फर्नीचर कैसे ऐड करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर 4,80,000 रुपए का है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है साथ में अकोमोडेशन के। तो 4,80 का 10%, बोलो हाँ या ना। तो ये भी हो गया, लो जी 4,80, टोटल कितना हो गया? 1,80,000। इज दैट क्लियर? गार्डनर की सैलरी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगी, हम लोग मान के चलते हैं 15% ऑफ सैलरी, तो इसलिए ये टैक्स फ्री हो जाएगा। मुझे बताओ इसके लिए क्या एजम्पशन देनी होगी? यस, एक एजम्पशन भी हमें इसमें देनी होगी। तो एक एजम्पशन देंगे हम लोग इसमें, ठीक है? इसमें एक एजम्पशन देंगे, इसमें एक एजम्पशन देंगे, और वो एजम्पशन क्या होगी कि ये मान के चल रहे हैं कि गार्डनर एक डोमेस्टिक सर्वेंट जरूर है, बट ये सर्वेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन के साथ ही अटैच करके दिया है, तो इसलिए ये सैलरी मुझे टैक्सेबल अलग से नहीं होगी। इज दैट क्लियर? मेडिकल फैसिलिटी, तो ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था, ये टैक्स फ्री वाला परक्विजिट है बिकॉज ये एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है। मोटर कार के केस में हमें निकालना होगा, बताओ कैसे निकालेंगे दोस्तों? मोटर कार में हमें निकालना होगा कॉस्ट कितनी दी हुई है। मोटर कार की कॉस्ट दी हुई है 11,00,000 रुपए, 11,50,000, 11,50। इस 11,50,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे पहले साल का, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन, अच्छा बताओ कार पर डेप्रिसिएशन कितना है? 20% WDV। मोटर कार पर 20% WDV, कंप्यूटर लैपटॉप पर 50% WDV, एनी अदर मूवेबल एसेट पर 10% SLM, और डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर के लिए निकालना है ना? तो आपको देखना है कि 11,50,000 रुपए की गाड़ी है, इसका 20% कितना हुआ? 2,30,000। तो बताओ 2,30,000 यहां पे माइनस करेंगे, ओके। अब इसके बाद माइनस किया 11,50,000 में से, तो कितना आया? 9,20,000। ये आ गया मेरा WDV, और मेरा फिर इसके बाद सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकलेगा। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? 9,20,000 का, 9,20,000 का 20%, 1,84,000, ये डिप्रिसिएशन और आ जाएगा। तो मुझे बताओ 9,20,000 माइनस 184 ये कितना आ गया? 7,36,000। और फिर इसके बाद माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर के लिए, डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर के लिए इसका 20%, तो कितना आ गया? 147,200। ये माइनस और करने के बाद आपका आ गया 5,88,800। मुझे बताओ दोस्तों, ये है वो एसेट की बुक वैल्यू जितने पर बिकना चाहिए था, और इंप्लॉयर ने खरीदा, इंप्लॉयर ने बेचा कितने का है अपने इंप्लॉई को ये एसेट? 5,00,000 में। तो बताओ इंप्लॉई के पैसे बच गए, और आप लोग तो जानते ही हैं बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये कौन कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 88,800 रुपीज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात समझे? 588,800 माइनस 5,00,000 ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 14,48,800, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे 50,000 रुपए की, और सैलरी इनकम आ जाएगी 13,98,800। भाई साहब बोनस क्वेश्चंस हैं, बोनस मतलब आपको फ्री फंड के मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर आप सैलरी क्वेश्चंस के बोनस क्वेश्चन भी अटेंड नहीं कर पा रहे हो ना यार, फिर तो भैया चुल्लू भर पानी में डुबकी मार के देख लो, समझ गए मेरी बात? तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और सारी चीज़ें वैसे क्लासेस के अंदर ही डिस्कस कर ली जाती हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर और भी होंगे, तो मैं सबके साथ ये चीज़ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक बातें हैं। इज दैट क्लियर? और एक जैसा पैटर्न है, अगर आप देखो पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा फर्क नहीं डाला इन्होंने पिछले पेपर से। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद आ जाता है दिसंबर 2019 का पेपर। कौन सा पेपर? दिसंबर 2019 का पेपर। अब मैं दिसंबर 2019 का पेपर आपको दिखा दूं, दिसंबर 2019 का पेपर, ये कुछ इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से मेरे पास दिया हुआ है दिसंबर 2019 का पेपर। ये इंस्टीट्यूट ने यहां पे दिया हुआ दिसंबर 2019 का पेपर, ठीक है जी? दिसंबर 2019 का पेपर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है बेसिक सैलरी दी हुई है 7,20,000 रुपए, ठीक है? बेसिक सैलरी दिया 7,20,000 रुपए, ओके। डीए दिया हुआ है 3,00,000 रुपए का, ओके, ठीक है? 25,000 × 12। बोनस दिया 2 months ऑफ बेसिक पे, बोनस है 2 months बेसिक पे। कमीशन कितना दिया है? 0.1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर दी हुई है 20,00,000 रुपए, उसका 0.1% निकाल ही लेंगे, मजाक है क्या? ये तो बहुत ही आसान आ रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टू आरपीएफ,
इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 3.5 लाख रुपए है आरपीएफ में, तो 3.5 लाख रुपए इधर और एग्जेम्प्ट किया 12% ऑफ द सैलरी, ये माइनस करना होगा। मुझे बता दो ये 12% निकालने के लिए आपने क्या किया, ये 12% निकालने के लिए आपने क्या किया, बेसिक पे लिया, डीए का कौन सा चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट, तो फॉर्मिंग पार्ट ही दिया हुआ है तो ये लिया, कमीशन हमें चाहिए परसेंट ऑफ टर्नओवर तो कमीशन टर्नओवर वाला ही है, तो ये बताओ 7,20,000, 3,10,000 और 2,12,20,000, 12,20,000 रुपए का आपने किया होगा, 12,20,000 रुपए का कितना 12% बताओ, हाँ या ना, तो ये हो गया 1,46,400, ये 1,46,400 3.5 लाख रुपए जो इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट, जो इंप्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उसकी तो डिडक्शन मिलती है एटीसी में, हाँ या ना, वो तो एटीसी मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो टैक्सेबल होगा ना, उसमें से इतने अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, 2,03,600 रुपए टैक्सेबल होगा। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट आरपीएफ में दिया 9.5%, मुझे बताओ एग्जेम्पशन 9.5% ही तो होती है, तो 65 माइनस 65 तो ये आएगा निल, कितना आएगा ये निल आएगा, कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है सर इसके अंदर, ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। इसके बाद आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन हमें फाइंड आउट करनी होगी, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर विच द कंपनी पेड एनुअल रेंट ऑफ 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का एनुअल रेंट दिया हुआ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन हमें फाइंड आउट करना है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। मुझे बताओ सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, बेसिक पे चाहिए होगा, डीए चाहिए होगा, बोनस कमीशन ये दोनों आएंगे, अच्छा डीए नहीं आएगा, डीए ये नॉट फॉर्मिंग, हाँ फॉर्मिंग है ये तो फॉर्मिंग है, डीए आएगा फॉर्मिंग पार्ट है, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, और ये चार चीजें आ गई। इसके बाद अलाउंसेज आते हैं, अलाउंसेज में ये 30,000 रुपए का एक अलाउंस दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और हाउस होस्टल अलाउंस दिया हुआ है 3 बच्चों का 5,000 रुपए ईच, भाई 3 बच्चों का दिया है, एग्जेम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों पे मिलती है, याद है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है जी, तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैंने 5,000 रुपए में से माइनस कर दिया, तो 300 × 12 3600 रुपए माइनस कर दिया, 1,400 रुपए एक बच्चे का, तो 2 बच्चों के 1,400 × 2 2,800 रुपए वो टैक्सेबल हो जाएंगे, और 5,000 एक बच्चे का तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा हॉस्टल का, क्योंकि एग्जेम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों की मिलनी थी, तो 2 बच्चों की मैंने एग्जेम्पशन माइनस करके यहां पे टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली 2 बच्चों की, 1,400 × 2 2,800 रुपए और 5,000 रुपए ये, तो 7,800 ये और 30,000 ये भी सैलरी की कैलकुलेशन में आएगा। मुझे बताओ सैलरी जो हम लोग यहां पर निकालेंगे इसमें क्या क्या आएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी में बेसिक पे आएगा, हाँ डीए आएगा, यस, तो 720 करें ऐड, 720 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख रुपीज। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 30,000 प्लस 7,800 13,77,800, क्या ये आ रहा है, आप लोग प्लीज चेक कर सकते हो। ये सब चीजें आने के बाद क्या करना है हमें, ये सब चीजें आने के बाद हमें इसका करना है 15%, ये आ रहा है 2,06,670, ये आ गया 15% ऑफ सैलरी। और हायर चार्जेस तो बहुत ही कम है, हायर चार्जेस कितने दिए हुए हैं, हायर चार्जेस दिए हुए हैं 80,000 रुपए, तो भाई विच एवर इज लेस, तो यहां पर आना है विच एवर इज लेस, क्या मेरी बात समझे, ओके। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है, फुली टैक्सेबल होता है, पता है ना आपको, सो डिडक्शन मिलती है, अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है, सारे एम्प्लॉयज को तो ना मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वेश्चन में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहां पर ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। होस्टल अलाउंसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से एग्जेम्पशन निकालनी है, 2 बच्चों की 300 रुपए के हिसाब से एग्जेम्पशन निकालनी है, 300 × 12 × 2, ठीक है, और 2 बच्चों का टोटल अलाउंस मिला है 10,000, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 10,000, 2 बच्चों का 5,000 × 2 2 बच्चों का 10,000, जिसमें एग्जेम्पशन मिलेगी 300 × 12 × 2 यानी 7,200, तो 2,800 रुपए वो टैक्सेबल हो जाएंगे, और 5,000 रुपए तीसरे बच्चे का जो कि पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये आएगा। ग्रॉस सैलरी आएगी 16,61,400 और डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी जाएगी 50,000 रुपए की, जो कि आंसर आएगा 16,11,400 रुपए सैलरी इनकम। बताओ क्या ये बात समझ में आती है किस तरीके से फाइंड आउट करना है, दिसंबर 2019 का पेपर था ये, लो जी क्या था इसके अंदर, मुझे बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। आ जाओ दोस्तों जून 2019 का ओल्ड सिलेबस का ये पेपर, ओल्ड सिलेबस का जून 2019 का ये पेपर आओ जरा वो भी देख लेते हैं आप। ये है क्वेश्चन 2 का, मेरे ख्याल से 2 नहीं इसमें, अच्छा एक बात नोटिस करी है, हर बार क्वेश्चन 3 का ए पार्ट ही होता है, हर बार 3 का ए पार्ट ही होता है, आपने देखा होगा, मैंने जब देखो दिसंबर, ये भी 3 का ए पार्ट है, ये भी 3 का ए पार्ट है, यानी 3 का ए पार्ट इज ऑलवेज सैलरी, 3 का ए पार्ट इज ऑलवेज सैलरी, तो इस बार भी 3 का ए पार्ट सैलरी ही समझ लेना,
ठीक है, बट एमक्यूबी में दो का बी पार्ट आया है, सेकंड का बी, तो पॉसिबल है कि सेकंड का बी या थ्री का ए हो, चलो इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे आ जाओ, बेसिक सैलरी थ्री का ए पार्ट आपको दिया हुआ है 1,00,000 रुपए महीना, तो मुझे बताओ बहुत ही आसान है, तो 12,00,000 रुपए आ जाएंगे यहां पर। डीए दिया है 24,000 रुपए, आपको पता है चाहे फॉर्मिंग पार्ट हो चाहे नॉट फॉर्मिंग पार्ट हो, 24,000 रुपए फुली टैक्सेबल हो जाएगा, 24,000 × 12 = 288। बोनस आपको 21,000 रुपए दिया × 12 = 252। आरएफए निकालना होगा, फिर से आरएफए बड़ा ही फोकस किया है, हर क्वेश्चन का ट्रेंड देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं आरएफए निकालने का फोकस किया जा रहा है, तो बार बार आरएफए में है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आरएफए की कैलकुलेशन आपको अगर पूरी थियोरेटिकल वीडियो देखनी है, तो मैं प्लीज बार बार बोल रहा हूं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ और यूट्यूब के लिंक पे ज्वाइन करो उसको, और चेक करो सैलरी की रिवीजन को, मैंने अच्छे से करवाया है थ्योरी में। ठीक है, अब जरा, और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा भैया, सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, अब इधर बताओ, आरएफए कैलकुलेट करना है तो 15% ऑफ सैलरी लेना होगा या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा था हर एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एन अकोमोडेशन टू हर विद एन अकोमोडेशन ऑन 1st April 2018 एट कंसेशनल रेंट, द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी 12,000 रुपए महीना। मिस पूर्विशा ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम 1st of November 2018। याद करो दोस्तों, 1st November 18 को अगर एकोमोडेशन दिया है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट 1st November 2018 से निकालेंगे या पूरे साल की निकालेंगे? 1st November से निकालेंगे। हाँ, 1st November से निकालेंगे, यस सर, 1st November से निकालेंगे। तो इस केस में 1st November से लेकर 31st March यानी 5 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। हाँ, 5 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे, बताओ ये 5 महीने के हिसाब से अगर मुझे बेसिक पे निकालना हो तो क्या आएगा, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, 5 महीने के हिसाब से बेसिक पे निकालना हो तो क्या आएगा, 5 महीने के हिसाब से बेसिक पे आएगा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इंटू 5,00,000 रुपए प्लस क्या ऐड करना है, डीए। डीए कौन सा चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट, 24,000 रुपए पूरा डीए है जिसका 30% फॉर्मिंग पार्ट है, तो 5 महीने का कितना आएगा 36,000, तो डीए का फॉर्मिंग पार्ट आएगा 36,000। फिर इसके बाद चाहिए बोनस, बोनस कितना दिया है 21,000, बट 21,000 1 महीने का है, 5 महीने का कितना हो गया 1,05,000 रुपए बोनस भी आएगा, 1,05,000 रुपए बोनस भी आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन में कमीशन तो दिया नहीं हुआ, अलाउंसेस आते हैं अगर दिए हुए हैं तो, अलाउंसेस दिए हुए हैं 24,000 रुपए, अलाउंसेस दिए हुए हैं 24,000 रुपए। देखो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बता रहा है कि अलाउंस के ऊपर यूनिफॉर्म अलाउंस में खर्चे किए हैं नहीं किए। आपको पता है ये 3 तरह की अलाउंसेस की कैटेगरी होती थी, ये कैटेगरी 1 में आता है, मैं कैटेगरी 1 बच्चों को समझाता हूँ। हुड्डा सिटी, हुड्डा सिटी के जो अलाउंसेस होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं। हुड्डा सिटी मतलब एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से अकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग, ये जो अलाउंसेज है ना ये कैटेगरी 1 में आते हैं, जिनको हम खर्चों से कंपेयर किया करते हैं। ठीक है, खर्चों से कंपेयर करके विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट यहाँ पे खर्चा ही नहीं दिया। जब खर्चा नहीं दिया तो अजम्पशन 2 तरीके की हो सकती है, या तो सारा खर्चा मान लो या कोई भी खर्चा मत मान लो। तो अगर कोई भी खर्चा नहीं मानता हूं तो यूनिफॉर्म अलाउंस पूरा 24,000 रुपए ऐड होना चाहिए ना सैलरी के अंदर। हाँ, तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी पूरा को पूरा 24,000 रुपए ऐड कर देते हैं, फुली टैक्सेबल। ठीक है, कोई खर्चा नहीं दिया हुआ हम ये मान के चल रहे हैं, अगर खर्चा दिया होता, मैं प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने अगर ये दे दिया है कि अलाउंस का खर्चा नहीं किया, ठीक है, खर्चा किया है, पूरा का पूरा खर्चा किया है, तो वो एक अजम्पशन है, अजम्पशन के बेसिस पे आंसर अलग हो सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट इस बेसिस पे मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता, समझ गए? नहीं तो आरटीएल लगा देंगे भाई साहब, केस कर देंगे इंस्टीट्यूट पे अगर ऐसा कर दिया तो। अजम्पशन का मतलब दोनों वेज अजम्पशन हो सकती है, क्या मेरी बात समझे? हाँ, अब बताओ बेसिक पे, डीए, बोनस और क्या रहेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस, इसके अलावा तो कोई अलाउंस कोई और चीज नहीं आएगी। तो भाई ये आ गया मेरा 5,00,000 प्लस 36,000 प्लस 1,05,000 प्लस 24,000, तो ये बन रहा है 6,65,000। और इस 6,65,000 का हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका 15%, क्या करना होगा इसका 15%, जो कि आ रहा है 99,750। तो 99,750 ले लें, या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑलरेडी दिया हुआ है 12,000 रुपए महीना, तो 12,000 रुपए महीना वो ज्यादा कम पड़ रहा है, 12,000 × 5 बनता है 60,000, तो 99,750। मेरे ख्याल से मैंने यहां गलती कर दी है कुछ, 735 कैसे आ रहा है, मैंने गलती कर दी है यहां पे, 735 को करेक्ट कर देता हूं मैं भी। तो मैंने तो निकाल ही लिया बेसिक पे, डीए, बोनस ये आने थे इसमें, 6,65,000 आएगा यहां पर, 6,65,000 आएगा, एक बार फिर से देख लूं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, 24,000 × 5 = 20,
अच्छा उसका 30% बोनस ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस ठीक है, पता नहीं 665 ही आना चाहिए, गलती से लिख दिया यहाँ पर 665। आंसर में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15% जो 665,000 का आप निकालोगे वो 99750 आ रहा है, और 60,000 जो है वो ऑलरेडी कम है, 99750 या 60,000 विच एवर इज लेस, तो 60,000 ही आएगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लिखा है 4800 रुपए महीना आपसे ले लिया गया है, 4800 × 5 है ना, हर महीने आपसे 4800 रुपीज ले रहे हैं, तो 5 महीने का कितना हो गया 24,000, तो वो माइनस कर देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 36,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं। अब गिफ्ट वाउचर में एक और बात का ध्यान देना, गिफ्ट वाउचर में दो तरह के व्यू पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर आपको मिला है, ये एक इनकाइंड गिफ्ट है, और इनकाइंड गिफ्ट के अंदर 5,000 रुपए की एक लिमिट होती है, याद है? मॉनेटरी गिफ्ट होता तो फुली टैक्सेबल होता, इनकाइंड का गिफ्ट है तो 5,000 रुपए की एक लिमिट होती है। ये 5,000 रुपए से अगर ज्यादा होगा तो पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए, ये बात लिखी जाती है रूल्स में, इनकम टैक्स के रूल्स में ये बात लिखी गई है, कि हम लोग जब एग्जेम्पशन देते हैं, हम लोग ये कहना चाहते होते हैं कि आपको अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट है तो फुली एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर 1 रुपए भी होगा तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। बट सर्कुलर आया, सर्कुलर के अंदर, एक पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर ये बात मेंशन की गई है, तो हमें एग्जेम्पशन देने का तरीका ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग सर्कुलर व्यू लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। कौन सा व्यू लेके चल रहे हैं? सर्कुलर व्यू। और सर्कुलर व्यू अगर मैं देखूं तो 10,000 - 5,000 एग्जेम्पशन, 5,000 रुपए माइनस होने के बाद टैक्सेबल कितना होना चाहिए? 5,000। आप लोग अपने आंसर में एग्जाम में कैसे दिखाओगे? 10,000 - 5,000 भी दिखा सकते हो, अल्टरनेटिव व्यू 10,000 भी दिखा सकते हो, बट यहां पे अगर आप ये वाला व्यू दिखाते हो तो आपको अपने आंसर में लिखना होगा कि हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, कैसे एज्यूम किया है, एज पर सर्कुलर व्यू, एज पर सर्कुलर व्यू। क्या मेरी बात समझे? ये इनकम टैक्स का सर्कुलर है जो ये बात बोलता है, और ये आंसर गलत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसी इसके सजेस्टेड आंसर देखोगे जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, तो उसके सजेस्टेड आंसर में भी इसी तरीके से दो प्रेजेंटेशन दी हुई है, और दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे। फिर इसके बाद शी कॉन्ट्रीब्यूट 18% ऑफ हर सैलरी बेसिक पे प्लस DA टूवर्ड्स RPF, ठीक है, टूवर्ड्स RPF एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम। हमें तो कंपनी की कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी है ना, तो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF बनता है 18% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। क्या बेसिक पे DA के अंदर क्या लिखा है फॉर्मिंग? नहीं, इसका मतलब है DA पूरा, यानी 12,00,000 रुपए और 288, इन दोनों का टोटल कर देंगे, अगर हम 12,00,000 रुपए और 288 का हम टोटल कर देंगे तो आ रहा है 14,88,000, जिसका 18% आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, यानी 267,840 इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया। और आपको पता है एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे? 12% ऑफ द सैलरी। अब 12% ऑफ सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी कौन सी होगी? बेसिक पे, DA, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, कौन सा, टर्नओवर। अब यहां पर हमें सैलरी एग्जेम्पशन निकालने के लिए, RPF में एग्जेम्पशन निकालने के लिए हमें सैलरी लेनी होगी बेसिक पे जो कि है 12,00,000, और DA जो है वो फॉर्मिंग पार्ट लेना होगा। DA है 288, बट इसका 30% इज फॉर्मिंग, तो बताओ कितना लेंगे? 86,400। तो बताओ टोटल कितना हो गए? 12,86,400। इसका हमें क्या करना है? 12%, यार है 12,86,400 का 12%, यार है 154,368। इतने अमाउंट की क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन, ठीक है। और फिर इसमें से माइनस करके आ रहा है 1,13,472 जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? फिर इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस मैंने आपको बताया ये एक एजम्पशन ली गई है, तो आपकी क्या दूसरी एजम्पशन भी हो सकती थी? हाँ, तब उस केस में यूनिफॉर्म अलाउंस में आप डैश लिख सकते थे, मतलब ये कह सकते थे कि सारा का सारा खर्चा हो गया तो फुली एग्जेम्प्ट हो गया। क्या मेरी बात समझे? अभी फुली टैक्सेबल कर देते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस के बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी मेडिकल अलाउंस दे रही है, बोलो मेडिकल अलाउंस दे रही है कंपनी, मेडिकल 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 कहां गया, ये लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही है, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ही लिखा है। मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स फ्री परक्विजिट होता है भाई, टैक्स फ्री होता है, याद है ना, तो ये तो टैक्स फ्री होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यूज ऑफ मोटर कार, कंपनी ने मोटर कार दिया है, और ये कंपनी ने जो मोटर कार दी है पूर्विशा को फ्रॉम 1st November दी है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने के लिए दी है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। कौन सी गाड़ी है? किसने? एम्प्लॉयर की है ये गाड़ी। किसकी है ये गाड़ी? एम्प्लॉयर की है ये गाड़ी। और इसके जो खर्चे हैं, इसके जो खर्चे हैं वो भी कौन मीट आउट कर रहा है? वो भी एम्प्लॉयर ही मीट आउट कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का केस, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। गाड़ी है बड़ी, अगर आपको याद आ रहा हो इस केस में क्या होता है, 2400 + 900 अगर ड्राइवर भी दिया गया हो, और क्वेश्चन में लिखा है ड्राइवर जो है वो एम्प्लॉय खुद है,
मतलब इंप्लॉय खुद ड्राइव कर रहा है, कहने का मतलब ये। तो 2400 × 5, बोलो हाँ या ना, 2400 × 5 12000 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? याद है तीन केसेस होते थे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर। अगर ये चीज भी आपको एक बार देखनी है, अच्छे से समझनी है, तो इसको भी देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, सैलरी की रिविजन देखनी होगी। ठीक है जी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी 19,30,472, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे 50,000 रुपए की, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 18,80,472। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने आपको बताया आपके सजेस्टेड आंसर से इसमें दो डिफरेंस हो सकते हैं। पहला डिफरेंस यूनिफॉर्म अलाउंस, पहला डिफरेंस यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस एक एजम्पशन लिया गया है कि ये, मैंने क्या एजम्पशन लिया है, मैंने क्या एजम्पशन लिया कि ये अमाउंट सारा का सारा, कोई भी अमाउंट खर्चा नहीं हुआ। सजेस्टेड आंसर के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट खर्चा दिखा दिया है। ठीक है, तो एक व्यू पॉइंट है ये, अलग अलग, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, एक तो ये इस वजह से आंसर में डिफरेंस है, और दूसरा क्या चीज हो सकती है, सर्कुलर व्यू, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि सर्कुलर व्यू और कौन सा दूसरा ऑल्टरनेट व्यू, दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं, दोनों ही आपको एग्जाम के अंदर दिए होंगे, उनमें से नोट देना होगा। नोट नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, नोट देना होगा। दैट्स इट एवरीवन। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जो कि जून 2019 का है, जिसके अंदर कोई खास तो नहीं है, बट सिर्फ ये है कि एक दो इंपॉर्टेंट और बातें थी, जो कि जैसे एक मोटर कार का टॉपिक आ गया, और एक आरपीएफ वाला केस। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या चीज रिपीट हो रही है, क्वेश्चन में बार बार रिपीट होने वाले केसेस क्या है, आरएफए, बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, ये तो डाल ही देते हैं, फिर आरएफए हमेशा आता है। इसके अलावा जनरली वो फोकस कर रहे हैं किस पर, अलाउंस में, मतलब अलाउंसेस में भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो पीएफ का पॉइंट जरूर डालते हैं, पीएफ का पॉइंट जरूर डालते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं एमक्यूपी दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एमक्यूपी सेट टू सॉल्व कर दो, सेट टू सॉल्व कर दो। बेटा ये देख, एमक्यूपी सेट टू, अब एमक्यूपी सेट टू मैं क्या ऐसे करवाने वाला हूं, मैं इसी के अंदर करवाने वाला हूं। मैं अभी सैलरी करवा रहा हूं, बाद में मैं बिजनेस पीजीबीपी करवाऊंगा, पीजीबीपी के भी क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, एमक्यूपी सेट टू बच्चा कहता है वो भी करवा दो, तो लो बेटा एमक्यूपी सेट टू भी आपको करवा देते हैं। ये देखो, ये है एमक्यूपी सेट टू जो कि न्यू सिलेबस में आया हुआ है। ठीक है, ये पेपर, और ये रहा क्वेश्चन जो आपको 7 नंबर का सेट टू के अंदर दिया गया है। इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा मैं उम्मीद करता हूं, आप लोग चेक कर सकते हो। बेसिक पे 15,000 रुपए इंटू 12 180, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है ये बात। डीए 60% ऑफ द सैलरी, यानी बेसिक सैलरी का 60%, ये भी हो गया। मेडिकल अलाउंस किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो फुली टैक्सेबल होता है, खर्चों से कंपेयर नहीं करते हैं, फुली टैक्सेबल होता है क्योंकि किसी कैटेगरी में नहीं आता है। हाउस रेंट अलाउंस, इसमें एग्जेम्पशन मिलती है, बच्चों आपको याद होगा हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 6,000 × 12 72, बट इसमें एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 10 क्लॉज 13A में। कितनी एग्जेम्पशन है, एक्चुअल एचआर रिसीव, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो। तो आपको यहां पर इस तरीके से एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी होगी। पहली है एक्चुअल एचआर रिसीव्ड 6,000 × 12 72, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, देखो देखो देखो, रेंट पेड दिया है 7,200 × 12। ठीक है, और वो हो गया 86,400, जिसमें से 10% ऑफ सैलरी में बेसिक पे लेंगे और डीए लेंगे। डीए कौन सा लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट। अब क्वेश्चन में ना डीए के बारे में खास बात यह है कि डीए के बारे में ना फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग लिखा नहीं हुआ, मैंने फॉर्मिंग मान लिया, कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं होगी। नीचे नोट दे दो, बस नीचे नोट दे दो कि वी आर रिज्यूमिंग द डीए इज फॉर्मिंग पार्ट। हाँ, वी आर रिज्यूमिंग डीए इज डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं डीए डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट लेता तो क्या मैं यहां पे लेता, तो यहां नहीं लेता। इज दैट क्लियर? तो बेसिक सैलरी ही हमारी सैलरी होती। Is that clear everyone? अब बताओ DA मैंने ले लिया, तो मैंने यहां पर मेरा बेसिक सैलरी होगी 288, उसका 10% मैंने कर दिया 28,800, और फिर आ गया मेरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मेरी सेकंड लिमिट। और फिर थर्ड लिमिट होती है 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी मान के मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा मेट्रोपॉलिटन तो है ही नहीं, ये तो दुर्गापुर है। अरे भाई ये क्या कर दिया, फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, 288 का 40% आएगा, 288 का 40%, 1,15,200, प्लीज इसका 40%, ये दुर्गापुर है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है ही नहीं, सो ये आएगा 1,15,200। ठीक है जी, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, 57,600 एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहां पर, और ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस,
क्या किसी कैटेगरी में आता है? नहीं आता है। जब कोई अलाउंसेस किसी कैटेगरी में नहीं आते, मैं बताता हूँ कैटेगरी 1, 2 एंड 3, है ना। अब ये भी जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सैलरी की रिवीजन देखनी होगी, ठीक है जी, अगर आपने नहीं देखी है तो सैलरी की रिवीजन कर लो। अगर आपने किया हुआ है तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर तो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल। इसके अलावा वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, ऑफिशियल पर्पज के लिए गाड़ी दी गई है तो क्या टैक्सेबल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, निल ऑफिशियल परक्विजिट। अब बताओ, शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2100 पर मंथ टूवर्ड्स आरपीएफ। लो जी, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ 2100 × 12, है ना, 25200। अच्छा, फिर इसके बाद शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इंप्लॉयर इज ऑल्सो, हम इंप्लॉयर की बात कर रहे हैं। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 12% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कैसे निकाले? वही बेसिक पे डीए फॉर्मिंग पार्ट। अब डीए का हम लोगों ने तो ये माना फॉर्मिंग पार्ट है ये, तो इसलिए 288 का ही हमें क्या करना होगा, 12% जो मैंने चेक किया तो आया 34560, जो कि ज्यादा अमाउंट आ रहा है उससे, तो इसलिए एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी, और ये टैक्सेबल हो जाएगा जीरो। बताओ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना दिया हुआ है? 11% के हिसाब से 2200 रुपए। कितना दिया हुआ है? 2200 रुपए। हमें पता है एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 9.5%। तो 11 अगर 2200 है तो 9.5 कितना होगा, 1900। तो बताओ ये निकालकर हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू निकाल दी 300 रुपए। आ गया हमारी ग्रॉस सैलरी, क्या दिक्कत थी इसमें, 3,27,900, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी क्वेश्चन में क्यों दिया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस करनी ही है 50,000 रुपए की, और प्रोफेशनल टैक्स 1800 रुपए। आप क्वेश्चन में देखो शी पेड 1800 एज प्रोफेशनल टैक्स, तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये दोनों डिडक्शन मिलकर आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी 2,76,100। क्या ये बात समझ में आती है? लो जी, क्या मजेदार प्रैक्टिस है ये सैलरी की। आपको बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपके। मैंने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर कर दिए, एमक्यूपी सेट वन देखना है तो मैंने आपको बोला एक बार ये पूरा एमक्यूपी देखो, सेट वन कंप्लीट एमक्यूपी किया है, ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सैलरी के क्वेश्चन करा दिए। स्टडी मैट के क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। देखो मैंने ना स्टडी मैट चेक की, स्टडी मैट में ना मैं सच बताऊं तो मुझे एक्चुअल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिखा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है और जो स्टडी मैट के अंदर दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। बताऊं क्यों? स्टडी मैट के अंदर ना ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, मिसेलेनियस क्वेश्चन नहीं दिए हुए। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मुझे मिसेलेनियस क्वेश्चन दिखे? मुझे मिसेलेनियस क्वेश्चन दिखे ही नहीं है, टॉपिक वाइज ही दिखे हैं मुझे। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको मिसेलेनियस क्वेश्चन नहीं दिखे हैं। ये कोई मिसेलेनियस थोड़ी ना होते हैं, बेसिक पे डीए होस्टल अलाउंस टिफिन अलाउंस, पता ही आपको क्या करना है। तो भाई ये जो है वो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी चैलेंजेस वाले पार्ट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर मिसेलेनियस के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए जिसके अंदर आपको सारी बातें पूछी जाए। और मैं देख रहा था कि पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो इन्होंने दी हो कि पूरा पूरा कंप्लीट करो, मतलब जिसके अंदर सब कुछ हो, जैसे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वैसे। तो वैसी चीज अगर मैं देखूं तो मुझे एग्जाम के अंदर, मेरे को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिखे इसके अंदर, बट मुझे स्टडी मैट के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो मैं आपको कहूं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि कोई वैसे क्वेश्चन है कि नहीं है। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन जरूर है, ये क्वेश्चन मैं एक बार नोटिस कर रहा था, इलस्ट्रेशन 37, क्या ये एमक्यूपी में नहीं आया जो अभी अभी कराया? हाँ, क्या यही क्वेश्चन नहीं कराया? करवाया तो है, यही क्वेश्चन कराया, सेम और सेम ही क्वेश्चन आपको स्टडी मैट के अंदर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टडी मैट के अंदर सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हम चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे किया हुआ है। तो 9% ये कैसे कर दिया एग्जेम्प्टेड, 9% 9.5 होना चाहिए था, 9.5 होना चाहिए था, ये 9% कैसे कर दिया, ये कोई नई चीज निकाली है भाई ने, 9.5 होना चाहिए था। पता नहीं मुझे मिस्टेक दिखती है यहाँ पर, हो सकता है गलतियां होती रहती हैं, तो इंस्टीट्यूट से भी गलती हो सकती है। 300 रुपये आना चाहिए था ये, बाकी तो मुझे लगता है सेम ही था, बेसिक सैलरी और ये 57,600 हमने भी वही निकाला है और डीए वही है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। डिटेल्स अमाउंट मुझे लगता है सिर्फ वो 100 रुपये का वहाँ फर्क आ रहा होगा, और तो मेरे को लगता है आंसर हमारा सेम ही था ऑलमोस्ट, मैंने चेक नहीं किया आंसर के साथ, तो वो देख लेते हैं एक बारी। 276,100, तो ये क्या फर्क हो सकता है, 300 रुपये का फर्क है, 300 रुपये क्या चीज़ है भाई। एक तो मुझे 300 रुपये का, एक 100 रुपये का तो ये डिफरेंस दिख रहा है मुझे क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कहीं दिख रहा है मेडिकल अलाउंस 600 × 12, ये पूरा पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, क्या यहाँ पर किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है, 7200। अच्छा बताओ 1,08,000 का डीए, ठीक है,
इसके बाद सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 18,000, ठीक है। एचआरए 14,400 आना चाहिए, 14,400 ही आ रहा है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ यूज ऑफ कार तो निल होगा, बिल्कुल निल है। ग्रॉस सैलरी 327,900, पता नहीं ये मैच क्यों नहीं कर रहा टोटल, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चेक करके अगर आपको कोई समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, इसके अंदर डालना। मेरे को लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर लग रही है, जो मेरी तरफ से तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है। मैं फिर भी अपना टोटलिंग चेक कर सकता हूँ। 180, 108, 7200, 14,400, 18,000 और 300, 327,900 ही आ रहा है भाई, ठीक है। माइनस 50,000, माइनस 1800, तो 276,100 मेरा बिल्कुल करेक्ट है। पता नहीं ये कैसे कैलकुलेट किया है, तो एक बारी प्लीज़ आप लोग भी देखो, अगर आपको लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में काफ़ी गलतियां की हैं, आपने भी नोटिस करी होंगी गलतियां हैं। यही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने लास्ट क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन डाल दिया और वही मिसलेनियस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और आप कह सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे, ये क्वेश्चन भी आप एक प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 36। अगर आप मुझसे पूछो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो स्टडी मैट के, तो इलस्ट्रेशन 36 है। मिस्टर भरत ऑफ सिलीगुड़ी इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय विमल एंड कंपनी कोलकाता एज अ बेसिक सैलरी 5,500। अदर अलाउंसेज है डीए दिया हुआ है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी 4,000 पर मंथ, और मेडिकल अलाउंस दिया है 1,000 रुपए पर मंथ, बोनस दिया है 1 month बेसिक सैलरी। मुझे बताओ यार इसमें भी क्या क्या दिक्कत है। कंपनी गिव्स एन ऑप्शन टू हिम आइदर टेकर एज रेंट फ्री अकोमोडेशन कोलकाता और ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू 1,000 पर मंथ और टू एक्सेप्ट कैश हाउस रेंट एचआरए दे, कह रहा है या तो एचआरए ले लो या रेंट फ्री अकोमोडेशन ले लो। ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट एचआरए एंड टेक्स अ हाउस इन कोलकाता एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,000, ठीक है। डू यू थिंक ही हैज मेड अ वाइज चॉइस, तो आपको क्या करना होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन से सॉल्व करके देखना होगा, फिर एचआरए से सॉल्व करके देखना होगा, दोनों से देखकर आपको यह पता लगाना होगा कि किसमें आपको ज्यादा बेटर फायदा हो रहा है, मतलब टैक्सेबल जिसमें कम आ रहा होगा वही फायदेमंद होगा, बोलो हाँ या ना। तो बेसिक पे आपने लिख दी, डीए लिख दिया आपने, ठीक है, आपने बोनस लिख दिया, एच मेडिकल अलाउंस लिख दिया, ये सारे चारों तो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। एचआरए लिख कर देखा, जब एचआरए मिल रहा है तो 12,000, इसमें एग्जेम्पशन आपने क्लेम कर ली वो आ रही है 5,400, तो 6,600 आपका ये टैक्सेबल हो गया। जब रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल रहे हैं तो बताओ रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि कंपनी गिव्स एन ऑप्शन टू हिम आइदर टेकर एज रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ कोलकाता ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू 1,000 पर मंथ और टू एक्सेप्ट अ कैश हाउस रेंट। तो फेयर रेंटल वैल्यू 1,000 रुपए दिया है, क्या यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन में ये लिखा है कि ये रेंट कितना है, रेंट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि कोलकाता है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए और रेंट फ्री अकोमोडेशन में 15% ऑफ सैलरी हमें फाइंड आउट करना होगा। 15% ऑफ सैलरी में बेसिक पे आएगा, बोनस आएगा, डीए मैं मान के चलूंगा डीए फॉर्मिंग पार्ट है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ही दिया तो डीए तो नहीं आएगा, बेसिक पे आएगा 66,000 और 5,500 रुपये का बोनस आ जाएगा और मेडिकल अलाउंस आ जाएगा 12,000 रुपये का, ठीक है। तो 83,500 का 15% करेंगे तो ये आ रहा है 12,525, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जज कर सकते हो कि ज़्यादा बेटर क्या है, एचआरए रिसीव करना, तो एचआरए में आपको पैसा जो है आपका टैक्सेबल सैलरी कम आ रही है, तो जितनी कम आएगी उतना फ़ायदा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना दोस्तों, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो हेंस असेसी हैज टेकन अ राइट डिसीजन। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ये प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं हैरान हूं कि कोई मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं दी है इंस्टीट्यूट ने, बट चलो यार आप लोगों ने एमक्यूपी कर लिया है, आपने स्टडी मैट कर लिया, तो मुझे लगता है सैलरी की आपने काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, तो इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग 37 से ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, लास्ट वाले 37, 36, 35, ये आप ट्राई जरूर करना चाहिए आप लोगों को। 35 भी आप देख सकते हो, बेसिक सैलरी 5,000 रुपये महीना, एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 रुपये महीना, ठीक है। तो क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। LIC, अच्छा ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता तो डिडक्शन मिल जाती है, हमें पता है। LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 3,600 रुपये, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, क्या ये एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर नहीं बन जाएगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये अच्छा टॉपिक पूछा है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, ये भी एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर बन जाएगा, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। DA 2,000 रुपये महीना तो टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई ने पे किया है, इसको कोई टैक्सेबल नहीं करेंगे। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, ये तो एम्प्लॉई ने पे किया, ये नहीं करेंगे। फाइंड आउट द टैक्सेबल सैलरी, तो भाई बेसिक पे ये आ जाएगा 5,000 × 12 60,000। डी एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा 300 × 12 3,600 रुपये और LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ये आ जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल में। और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा। DA भी आ जाएगा 2,000 × 12 24,000 रुपये, आया ना।
तो सैलरी इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया, इज दैट क्लियर। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। और क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स, टोटल प्रोफेशनल टैक्स, ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल टैक्स चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो चाहे एम्प्लॉई ने दिया हो, दोनों ही अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर ने पे किया हो, एम्प्लॉई ने पे किया हो, दोनों ही माइनस करेंगे, यानी 1600 ये और 600 2200 रुपए ही माइनस होंगे, माइनस 2200 होंगे, ऊपर टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए होंगे, क्योंकि 1600 रुपए ही तो एम्प्लॉयर ने पे किए। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट फॉर द डे। सैलरी के लिए मुझे लगता है ये काफी है यार। आप लोग मुझसे पूछोगे 35, तो मैं ये कहूंगा 35 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस के लिए कोई मिसलेनियस क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे, तो मैं यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर सजेस्टेड ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि पैटर्न कैसे आने वाला है एग्जाम के अंदर। फिर भी ये केस, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर आप RFA पे अच्छी प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड वाले टॉपिक पे प्रैक्टिस करो अच्छी, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है बार बार बेसिक पे, डीए कमीशन बोनस, ये तो आपको पता है फुली टैक्सेबल होता है। HRA पर जरूर फोकस करो, मेडिकल परक्विजिट पे फोकस करो, ठीक है। जो मुझे क्वेश्चन की पुरानी अभी जो देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इन चीजों पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, सैलरी का हो गया है। अगले ही वीडियो में PGBP की लाने वाला हूं। किसकी लाने वाला हूं? PGBP की। पहले DT के हम लोग 4-5 सेशन ले लेंगे बढ़िया बढ़िया चैप्टर के, पहले DT के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सेशंस ले लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के भी स्टार्ट करेंगे, दोनों होंगे, ठीक है। तो इंतजार करना मेरी वीडियो का, ठीक है, सब कुछ होगा, बट रिस्पांस चाहिए। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करो प्लीज, ठीक है, ताकि मेरे को भी बढ़ावा मिले, तभी मैं बनाऊंगा ना यार। मुझे क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, 2-3 बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद लाइक भी नहीं हो रहे, तो मुझे ऐसा लगता है यार बच्चों का मन तो है नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं। आप लोग शेयर करो, आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है ये कंटेंट आज बहुत अच्छा कराया, तो आप लोग शेयर भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बोलो कि भाई देखो आपको ये फायदा होगा, पिछले सारे सालों के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ये आपके फायदे के लिए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ठीक है जी। टिल देन आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए वेट करो, यहीं पर आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।